गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। सो गाइज, आज ये गाड़ी ऑलमोस्ट 80,000 चल चुकी है। इट्स अ बलिनो 2016 नवंबर मॉडल। एंड सो इसकी ना टाइमिंग चेंज करवानी है, सर्विस करवानी है। तो चलिए आज चलते हैं हम करवाने, और मैं आपको वहाँ पे चल के दिखाता हूँ किस में क्या क्या हम चेंजेस करवाएंगे और क्या क्या सामान डलवाएंगे और किस किस कंपनी का डलवाएंगे। ओके गाइज, चलो लेट्स स्टार्ट अवर व्लॉग। गाइज, हम त्रिलोचन जी के पास पहुंच गए हैं, तो अब देखते हैं। तो गाइज, ये MGP वाले हैं, तो इनसे हम टाइमिंग चेंज लेने जा रहे हैं। हाँ जी, के लिए टाइमिंग चेंज चाहिए। कितने की सर जी? 1200। पूरा चैम्बर खोल के ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सारा खोल के, ये चैम्बर खोलने के बाद फिर टाइमिंग चेन डलती है। तो स्टे कनेक्टेड, आपको आगे और भी दिखाते हैं। गाइज, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ और इंटरेस्टिंग है ये। पता नहीं मारुति वालों ने क्या सोच के इतना छोटा फिल्टर दिया है। ये 7-8 हज़ार किलोमीटर बाद है, इसका ये हाल हो जाता है, एकदम चौक। इससे बढ़िया तो स्विफ्ट का फिल्टर है। ये देखिए बलिनो का हाल भाई साहब, ये कूलेंट भी निकाल दिया। ये वाटर पंप बेल्ट भी हमारी ख़राब हो चुकी है, तो ये भी चेंज करेंगे। और देखिए तो हमने कूलेंट भी निकाल लिया। तो गाइज, ये हमने मारुति MGP का ही ये एयर फिल्टर लिया है, और ये ऑयल फिल्टर है, ठीक है जी। और बेल्ट MGP से नहीं मिली, तो मैंने पता किया था वो गेट्स की आती है, तो गेट्स की हमें बाहर से मिल गई है। नंबर वगैरह साइज वाइज सब सेम है। तो भाई साहब से मैं कई सालों से काम करवा रहा हूँ, तो अगर आपने चंडीगढ़ में किसी भी गाड़ी का काम करवाना है तो आप यहाँ से करवा सकते हो। तो गाइस, मैं ये ट्रू पावर का जर्मन टेक्नोलॉजी वाला फुली सिंथेटिक ऑयल डाल रहा हूँ, और कूलेंट इसमें मारुति सुजुकी का ही डाल रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो बाकी सारा कुछ MGP का, कुछ चीज़ें हैं जो अपनी चॉइस से मैं नहीं डाल रहा हूँ, और दिखाते हैं आपको आगे की प्रोग्रेस। तो गाइस, अब नीचे से पूरा खुल गया है, तब ऊपर से खोल रहे हैं। ये माउंटिंग भी हमने खोल ली है, तो अब भी प्रोसेस जारी है। ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो चुके हैं। और 13 नंबर को चार लोड होने के लगे ये रबड़ की तो क्या बिगड़ा तेल गिर गया है। एमजी कितने की वैसे थी ये कंपनी? ये सीलेस की है। जे कहीं ने मोटर मार्केट से स्वाद लेना हो ना, तो राहुल को आ जाए। ए बंदा बंदा पूरा एंटरटेनमेंट करता है। लो जी, हम पहुंच चुके हैं ऊपर की साइड,
वाटर पंप हमने खोल लिया। ये रहा वाटर पंप। हम की खोल रहे आप? अब खोल रहे हैं जी ऑयल पंप। कोई दोस्तों खुल गई टाइमिंग चेन, इनू कहते हैं टाइमिंग चेन। ये इन्नी कु चेन पिछे असी इन्ना जगाड़ पटिया। बिल्कुल चमक गई जी, बिल्कुल चमक गई। यहाँ से सीधे निकाल सनी मानता नहीं है ना। टाइमिंग बेल्ट डल गई और एसी की बेल्ट भी डल गई। टाइमिंग चेन नॉट बेल्ट।
ਫਤਿਹ एसी फिल्टर भी चेक कर लियो। चलो जी, गाड़ी की सर्विस होगी, टाइमिंग बेल्ट होगी, ऑयल कूलेंट सब कुछ चेंज हो गया। अब एसी फिल्टर चेक करना है और नीचे का कवर लगाना है। ओदे च पा दो। एसी फिल्टर की हाल देखो भाई साहब, ये नया डाल रहे हैं। अब हम मालवा टायर के पास आ गए हैं। यहाँ पे व्हील अलाइनमेंट वगैरह की जाती है, तो अलाइनमेंट करवाते हैं। इनके पास काफ़ी अच्छी मशीन है। अलाइनमेंट के बाद ये फाइनल टच है गाड़ी को, थोड़ा वॉश भी करवा लिया तो अंदर से साफ सूफ भी करवा लें। तो गाइस कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स एंड क्लिप। किसी दिन मैं वॉशिंग का डिटेलिंग वीडियो बनाऊँगा तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगा।